तो दोस्तों गूगल एड्स डिसअप्रूव क्यों हो जाते हैं? अगर आपके ऐड अप्रूव हो भी जाएं तो उसके बाद आपके ऐड रन क्यों नहीं करते? इसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। कई दफ़ा आपकी जो वीडियो है उसका जो टाइटल है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका जो थंबनेल है, वो गूगल एड्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वायोलेट कर रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अपना ऐड आप फिक्स कैसे कर सकते हैं अगर आपका ऐड डिसअप्रूव हो जाता है तो। और जो दूसरा इशू है कि अगर आपका ऐड रन नहीं कर रहा तो आपने अपना ऐड रन कैसे करना है, तो इसका भी सलूशन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप भी अपनी वीडियो प्रमोट करना चाहते हैं गूगल एड्स के थ्रू तो उसके बारे में मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं, वो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर गूगल एड्स की जो पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पर रीड कर लेनी है। जब भी आपका ऐड डिसअप्रूव्ड होता है तो आपको हमेशा ईमेल आती है या फिर आपका जो ऐड सेक्शन होता है वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका ऐड क्यों डिसअप्रूव्ड हुआ है। तो यहाँ पे जो इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, अगर आप उसकी पॉलिसीज़ वायोलेट कर रहे हैं तो फिर आपका ऐड कभी भी अप्रूव नहीं होगा। मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी अपनी वीडियो का जो टाइटल है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन है, तो इन दोनों चीज़ों के अंदर आपने किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखना। ब्रांड कौन से होते हैं, जैसे कि YouTube खुद एक ब्रांड है, आप इसका जो है नाम टाइटल में नहीं लिख सकते जब आप Google Ads के ज़रिए वीडियो प्रमोट कर रहे होते हैं। YouTube की बजाय आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में YT लिख सकते हैं। इसके बाद जो जैसे Instagram, ये भी एक ब्रांड है, इसका भी आप इंस्टा या IG ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इसका देख लेना है कि इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आपने रीड कर लेनी है। इसके अलावा जो वीडियो ऐड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आपने यहाँ से रीड कर लेनी है कि जो ऐड लगाने के लिए जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। इसके बाद अगर आप अपनी कंपेन पे आते हैं तो कंपेन में भी आप जब भी आपका ऐड डिसअप्रूव होता है तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपने ऐड को एडिट कर सकें। एडिट करने के बाद अपने ऐड को दोबारा से आप रीअप्लाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर आके देख लेना है, यहाँ पे जो आप अपना टाइटल लगाते हैं ये सबसे नीचे, यहाँ पे मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि यहाँ पे जब आप वीडियो सर्च करने के बाद अपना यहाँ पे वो जो YouTube का टाइटल है, जो आपने वीडियो अपने चैनल में अपलोड की है, उस टाइटल से हट के आपने जो है यहाँ पे टाइटल देना है। अगर आपकी वीडियो किसी ब्रांड के मुतालिक है तो कभी भी उस ब्रांड का नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अगर उस ब्रांड का नाम आएगा तो कभी भी आपका एड अप्रूव नहीं होगा। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो अगर आपका फिर भी एड अप्रूव नहीं होता तो आप वहां से अपील कर सकते हैं। कि दोस्तों अपील भी आप कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप कोई भी पॉलिसी वायोलेट नहीं कर रहे तो आप अपील कर लें। उसके बाद अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो आप यहां से ऊपर आके, या आपको यहां पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है यहां पे हेल्प, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहा है कि कॉन्टैक्ट अस पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और ये आपको जवाब दे देंगे कि आपका ऐड क्यों बार बार डिसअप्रूव हो रहा है। तो जो ऐड डिसअप्रूव होने की वजूहत होती हैं वो यही होती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी जो वीडियो है उसका जो कॉन्टेंट है और उसमें जो आपने जो टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह दी हुई हैं अगर वो पॉलिसीज़ वायलेट नहीं कर रही तो फिर कोई मसला नहीं, आपका ऐड अप्रूव हो जाता है। अगर आपकी कोई भी वीडियो जो इनकी पॉलिसीज़ मीट नहीं करती तो फिर वो आपका ऐड कभी भी अप्रूव नहीं होगा। लेकिन ये कभी कभार ही होता है। आप कोशिश करेंगे अपनी वीडियो का जो टाइटल है सबसे पहले चेंज करें, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है वो चेंज करें, थंबनेल हो सकता है थंबनेल भी ट्राई करके देख लें, आपका ऐड उसके बाद अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है कि आपका ऐड रन क्यों नहीं करता। ऐड तो अप्रूव हो गया लेकिन उसके बाद रन नहीं करता। तो मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जो कंपेन बनानी है उसको आप ज़रूर से जाके देख लें, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो देख सकते हैं। आप जब भी अपनी बिड लगाते हैं तो बिड की वजह से कई दफ़ा रन ऐड नहीं करता और 100% यही वजह होती है। उसके बाद आप जो है कीवर्ड उसके ऊपर आपने जो है बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने आपको उस दिन बताया था कि आपने कीवर्ड सेलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे आपको जो कीवर्ड का ऑप्शन होता है इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये कीवर्ड आप किसी भी कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे, इससे आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत नैरो हो जाती है।
आप इतना नैरो ना जाएं, क्योंकि जब आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो गूगल एड्स को फिर मसला होता है कि वो जो ऑडियंस है वो क्या पता आपके टॉपिक के लिहाज से बहुत थोड़ी होती है, या फिर जो कीवर्ड है उसकी जो प्राइस है वो आपकी बिड से मैच नहीं करती। आपने मिसाल के तौर पे 10 पैसे से जो है ऐड की जो बिड शुरू की थी, 15 पैसे से की थी, लेकिन इनका जो आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया है वो कीवर्ड उससे दुगना महंगा हो, इस वजह से आपका ऐड जो है वो रन नहीं करता। तो आप कोशिश करें कि आपने कोशिश नहीं है, आपने बिल्कुल भी कीवर्ड को टच नहीं करना। जब आप कीवर्ड को टच करेंगे तो कभी भी आपका ऐड रन नहीं करेगा। नीचे जो बिड है ना, इसके ऊपर आपने क्या करना है कि हमेशा से आप स्टार्टिंग जो करते हैं बिड की, वो हमेशा कम से कम किया करें, क्योंकि उससे ये होता है कि आप तो आपका कम से कम पैसों के अंदर आपका ऐड वो जो ऐड है वो रन करना शुरू कर दे। आप CPV के ऊपर जो है अपना ऐड चला रहे हैं, कॉस्ट पर व्यू, जब तक आपकी वीडियो को कोई क्लिक करके 30 सेकंड तक नहीं देखता तो आपसे वो जो है वो पैसे चार्ज नहीं होते, गूगल एड्स आपके पैसे नहीं लेता। तो आप हमेशा जो है 10 पैसे शुरुआत करें, मे भी आपका 5 पैसे में भी शुरू हो जाए, 1 पैसे में भी शुरू हो सकता है, इसमें कोई पक्का पता नहीं होता। जब आप कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो फिर ऐसे नहीं होता, फिर वो कीवर्ड की जो प्राइस होती है, जो उसकी कीमत होती है, उसी के साथ ही आपको जो जाना पड़ता है। तो 10 पैसे में अगर आपका ऐड रन नहीं कर रहा तो आप उसको बढ़ा के 12 पैसे कर दें, 15 पैसे कर दें, फिर भी रन नहीं करता तो फिर 18 पैसे, 20 पैसे, जितने के ऊपर रन करता है आप वो चेक करते रहें। जब वो रन करना शुरू कर दे तो आपने उसको वहाँ पे छोड़ देना है, उसके बाद आपने उसको फिर नीचे ले जाना है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इसका जो है वो रेट चेंज होता रहता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम बिड लगाया करें। जब आपका ऐड अप्रूव हो गया तो वो एक किस्म का अप्रूव हो जाता है लेकिन रन नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपकी बिड कम होती है, तो आप बिड बढ़ा के थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो आप मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक मौजूद है। और उसके बाद आपने अपनी वीडियो प्रमोट करनी है, जो आप वीडियो प्रमोट करना चाहते हैं वो वीडियो आप इसके ऊपर कंपेन लगा के प्रमोट कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो वीडियो एकदम से वायरल तो नहीं होगी लेकिन उसके ऊपर आपको जो है व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, तो ये किस्म की आपकी प्रमोशन है, लेकिन इसके आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इससे आप ठीक ठाक आपको इसमें फ़ायदा होगा। एक तो व्यूज़ आपको मिलेंगे, आपके चैनल की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और दूसरा आपको सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए आप इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।